एक तो देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया है, फिर आगे हमें अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं वो गाइस नो। ठीक है, देखो सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, देन वी डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी, देन वी डिस्कस एवरेज स्पीड, फिर हमने देखा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन, देन वी लुक वेरी क्लोजली टू द ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ्स ऑफ मोशन में हमारे पास रेस्ट में क्या होता है, जीरो स्पीड, वो तो कोई मोशन ही नहीं होता। देन वी स्टडीड यूनिफॉर्म मोशन जो कांस्टेंट स्पीड वाला होता है। देन वी स्टडीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकती है या कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन हो सकती है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी लीनियरली या कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन में स्पीड डिक्रीज हो रही होगी लीनियरली। ठीक है, अच्छा इसके फिर हम लोगों ने ग्राफ्स देखे थे, इनके ग्राफ्स के शेप कैसे होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारे पास स्पीड लीनियरली इंक्रीज हो रही होती है, तो ये जो पहला वाला कर्व बना हुआ है ना, ये वाला, तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, फिर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप ऐसा होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है हमजा, खुदा यहाँ तक याद है ना चीजें या भूल गए हो? यार ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन क्या होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों देखे थे, और फिर वर्टिकल मोशन के जो ग्राफ्स होंगे वो देखे थे कि उनके ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं। जैसे ये वाला जो पहला वाला लेफ्ट फिस्ट जो बने हुए हैं, ये हमारे पास कौन सा है, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन होगा तो डाउनवर्ड एक्सलेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अपवर्ड होगा तो अपवर्ड एक्सलेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सलेशन होगी और ये स्पीड लीनियरली इंक्रीजिंग और डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, और अगर अपवर्ड होगा तो उसके लिए फिर हमारे जो ग्राफ्स ऑफ मोशन हो जाएंगे वो ये मैंने बनाए हुए। ठीक है, ये समराइज हुआ हुआ है अभी लास्ट क्लास में, हम लोग यही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये ग्राफ्स हैं, अगर ये अगर आप चाहो कि ये वेल समराइज्ड है ये वाला पेज, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ताकि आपको जो है वो चीजें एक साथ समराइज हुई हो नोटबुक में, इसको लिख लेना ताकि फौरन जब रिवाइज कर रहे हो बैठो तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मोशन जब हो रहा होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और जब अपवर्ड मोशन हो रहा होगा तो देयर वुड बी डी एक्सेलरेशन नॉट डी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग लीनियरली एंड द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बट विद अ डिक्रीजिंग रेट, तो कर्व डाउनवर्ड्स बनेगा, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो, लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वी से डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, और फिर का कुछ कंबाइंड चीजें हम लोगों ने देखी थी। अच्छा, मोशन के चैप्टर में ना अभी भी हमारे पास जो है मोशन ऑफ अ पैराशूटिस्ट या टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट अभी भी रहता है, लेकिन वो चीज़ जो है मैं आपको फोर्सेस पढ़ाने के बाद उस पर दोबारा लेके आऊँगा, क्योंकि फोर्सेस अगर आता होगा समझ तो फिर आप उस पर जा सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना फोर्सेस का, आज हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, अच्छा अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो व्हाट इज अ फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ फोर्स, तो व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू डिफाइन अ फोर्स, जो आप बचपन में करते आ रहे हो कि फोर्स इज एन एजेंट दैट कॉजेज द मोशन। ठीक है, अब फोर्स मोशन करवाता नहीं है बल्कि मोशन को स्टॉप भी करता है। ठीक है, तो फोर्स की एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, फोर्स इज एन एजेंट दैट कॉजेज द मोशन। अच्छा, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, ये भी हमने डेफिनेशन देखी है। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे इसकी, क्योंकि हम अपेयरिंग एयर में हैं, तो फोर्स होती क्या है, मोशन करवाएगी या मोशन रोकेगी। सही है, अच्छा अब फोर्स के बारे में जो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको आप ये भी कह सकते हो कि भाई पुश और पुल है, ये भी कह सकते हो इट इज एन एजेंट दैट कॉजेज द मोशन, एजेंट दैट कॉजेज द मोशन। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट न्यूटन जो था उसका फोर्सेस पे काम ज्यादा था, इसलिए इन ऑर्डर टू रिगार्ड हिम वी गिव फोर्स अ यूनिट ऑफ न्यूटन। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात फोर्स के बारे में कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होने से क्या मतलब है कि इट इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय द मैग्नीट्यूड बट एज वेल एज द डायरेक्शन। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कबर्ड रखा हुआ है,
ठीक है, और मैंने बोला इसको मूव कराने के लिए ना मुझे फोर्स लगानी है 10 न्यूटन की। तो अब मैंने हमजा को बोला, हमजा ना इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है इन ऑर्डर टू मूव इट। अच्छा, मैं चाह रहा था ये कबर्ड जो है ना मैं मूव करवा दूं कहाँ पे, राइट साइड पे। अब मुझे कबर्ड मूव कराना है राइट साइड पे। अच्छा, अब हमजा ने क्या किया, वो गया उसने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन की लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे तो कबर्ड मूव नहीं होगा ना, वो तो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। अब मैंने हुदा को बोला, हुदा ने क्या करा, जाके उस पर फोर्स लगा दी 10 न्यूटन की सामने से। हुदा ने तो और काम बिगाड़ दिया मेरा, वो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, वो लेट से गिर गया कबर्ड, टॉपल हो गया, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं कि फोर्स किस जगह पे लगानी, या तो मैं ये बताऊं कि मुझे कबर्ड को राइट साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, तो जब हम फोर्स बता रहे होते हैं तो फोर्स के साथ हमें डायरेक्शन इज मस्ट, वी हैव टू टेल द डायरेक्शन दैट वी हैव टू एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, सो दैट टू हैव द मोशन इन माय डिजायर्ड डायरेक्शन। If I want to move the cupboard towards right, so I must tell Hamza that you have to apply the force of 10 newton towards right hand side. वरना तो वो कहीं भी लगा के इधर उधर move करवा देगा, ठीक है? And we discussed कि whenever we are using many wordings in physics, तो उसको avoid करने के लिए हम क्या करते हैं? Plus और minus की help लेते हैं। हमने बोला right side पे जो force है उसको plus कर दो। 10 newton की force हमें right side पे लगानी है। So force is a vector quantity. It means कि it is not just enough to tell the magnitude of a force, but we have to also tell the direction of a force. सही है? अच्छा जी। Next force के बारे में अगर हम देखें तो let's say मेरे पास में कोई object है of a certain mass, जैसे मैं कह रहा हूँ उसका mass जो है ना वो 2 kg है। अब उस पर अगर आप force लगा रहे हो इधर 10 न्यूटन की, तो ये 10 न्यूटन की जो फोर्स है ना ये आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैं इसको ये कह सकता हूँ दिस इज अ अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब हमजा जो है 10 न्यूटन की फोर्स राइट साइड पे लगा रहा है, आप हुदा क्या कर रहे हो इस पे जो है वो पीछे से ना 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो मूव हो रहा होगा राइट साइड पे वो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से मूव नहीं हो रहा, बट इट इज ओनली बी मूविंग ड्यू टू 10 - 2 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन फोर्स होगी ना वो किस साइड पे होगी, राइट साइड पे होगी। व्हाई? बिकॉज़ राइट साइड पे फोर्स बढ़ी है। तो जो 8 न्यूटन की फोर्स है इसको मैं कहूंगा कि दिस इज माय रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, रिजल्टेंट फोर्स। अनदर वर्ड यूज्ड फॉर द रिजल्टेंट इज नेट फोर्स। ठीक है, बेसिकली आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन माय रिजल्टेंट फोर्स, के हाउ बिग इज माय रिजल्टेंट फोर्स। Applied force 10 newton है, okay, but it is not causing the motion. What is causing the motion is 8 newton force, because 2 newton force has been balanced. Okay, इसी तरह if I have same object और उसपे जो है दो दो बंदे force लगा रहे हैं, एक side पे आपने यहाँ पे लगा दी 2 newton की force, एक side पे आपने लगा दी 5 newton, और backward force जो है वो उसपे लग रही है let's say 3 newton, और दूसरी backward force इसपे लग रही है let's say 7 newton. तो left side पे जो forces लग रही हैं वो कितनी है, 7 + 3 10 newton. right side पे जो forces लग रही हैं वो 5 + 2 7 newton. तो 10 newton towards left hand side and 7 newton towards right hand side. तो net force would be towards left hand side, और वो कितनी होगी, 10 - 7 which is 3 newton. 3 newton की net force है, this is the resultant force. And this resultant force will actually decide the direction of the motion. अब ये object कहाँ move करेगा ये कौन बताएगा? जिस direction में resultant force आ रही होगी, और resultant force किस direction में आ रही है, towards left hand side. तो this will show that the object will move towards left hand side. जहाँ resultant force बढ़ी, और resultant force किसी एक force की वजह से नहीं होगी, वो एक force जो होती है आप लगा रहे होते, that is applied force. However, resultant force is due to the resultant or net amount of all the forces acted upon an object in the same direction. ठीक है, मतलब direction एक right पे भी लग रही है, left पे भी लग रही है, इस तरह up down forces जो लग रही होंगी उसके लिए फिर आप अलग से उसको देखोगे कि भाई upward force जो है वो 30 newton की लग रही है, और इस पे जो है downward force जो है वो 10 newton की लग रही है, तो resultant force would be 20 newton upwards. This is the resultant force. Resultant force में मैं interested होता हूँ क्योंकि वो मेरा डिसाइड कर रहा है कि मेरी नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी. ठीक है, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच डिसाइड्स द नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन.
and I am actually interested in motion, na, that force is causing the motion. Force ko main kyun padh raha hu? Okay, because I am interested in seeing what type of motion it causes. Force badi hoti hai to acceleration badi hoti hai. सही है. अच्छा अब यहां से देखो, न्यूटन ने कुछ लॉज दिए हमें. ठीक है, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ न्यूटन लॉज? पहले सुना है कभी न्यूटन लॉज क्या होते हैं? लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. यस. ठीक है, कितने लॉज होते हैं? तीन लॉज होते हैं. ठीक है, अच्छा उन तीनों लॉज की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. वो न्यूटन ने इन, वैसे तो न्यूटन के ना चार लॉज होते हैं. अच्छा फोर्थ लॉ जो है वो आपके पास ए लेवल में आता है जाके, ए लेवल में भी, ए टू में आता है, ए एस में नहीं आता. लेकिन जो तीन लॉज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पूरा ना मोशन समझ आता है कि फोर्स लग रही है तो मोशन किस तरह का हो रहा होगा. तो हम लोग जो न्यूटन का पहला लॉ है ना फोर्सेस में, हम लोग पहले देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ मैं बाद में पढ़ाता हूँ. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ समझ आता है तो ही फर्स्ट लॉ समझ आता है. अब मुझे नहीं आज तक समझ आया कि इसको सेकंड लॉ क्यों कहते हैं. इसको मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ कहना चाहिए था, लेकिन बस वो जो नाम दिया हुआ है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो ऑर्डर है. लेकिन मैं आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पहले पढ़ाऊंगा. न्यूटन सेकेंड लॉ समझ आएगा तो आपको फर्स्ट लॉ भी समझ आ जाएगा. अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अब देखो इसने फोर्सेस को मोशन के साथ लिंक करा है. वो कहता है कि अगर यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है यहाँ पे 10 न्यूटन की और इस पे बैकवर्ड फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है दैट इज 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हो और नेट फोर्स भी कह सकते हो. ठीक है, विच इज 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट. अच्छा और जो मोशन हो रहा है ना, मोशन इज कॉज ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, नॉट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. 10 न्यूटन की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि 8 न्यूटन की वजह से हो रहा है, क्योंकि 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन हैज बीन बैलेंस्ड ना, सो ओनली 8 न्यूटन फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द मोशन. दिस रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली responsible to cause motion. अच्छा जितनी ज्यादा ये बड़ी होगी उतना fast motion होगा. अब हम इसको देखते हैं न्यूटन ने क्या बोला. न्यूटन ने बोला कि resultant force is directly proportional to acceleration. आ गया acceleration, motion. Resultant force is directly proportional to acceleration, provided that. बल्कि इसमें ना एक line और add करो. And always takes place in the direction of force, resultant force. Provided that, अच्छा ये statement याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा याद क्या करना है. Provided that mass of the object stays constant. देखो उसने बोला कि अगर मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है ना, उसका मास मैं कह रहा हूँ 2 किलोग्राम है. ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट पे मैं दो बार फोर्स लगाऊंगा. अभी पहले मैंने जो है इस पर फोर्स आगे लगाई कितनी, 10 न्यूटन की, और इस पर बैकवर्ड फोर्स लग रही थी 2 न्यूटन की. तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में है? राइट साइड पर. वो कितनी है? 8 न्यूटन की. एफ आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स. एफ आर जो मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. अच्छा अब मैंने जो है ना इस पे फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, और बैकवर्ड फोर्स अभी भी 2 न्यूटन की लग रही है. तो नाउ इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स इज 20 - 2 व्हिच इज 18 न्यूटन. ठीक है, टुवर्ड्स राइट. और फर्स्ट केस में भी इट इज टुवर्ड्स
राइट ओके अच्छा रिजल्टेंट फोर्स दोनों केसेस में चेंज है, दूसरे केस में बढ़ी है, पहले केस में कम है. तो देखो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी तो न्यूटन क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर मैं एक क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो दूसरी भी बढ़ती है. इंक्रीज इन वन क्वांटिटी विल इंक्रीज द अदर क्वांटिटी, दैट्स व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप इज. ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन ग्रेड 8 और ग्रेड 7 इन मैथमेटिक्स. If I increase one quantity, for example, if I say y is directly proportional to x, it means increase in y will cause the increase in x. ठीक है, और vice versa. X increase करो तो y increase होगा, y increase करो तो x increase होगा, and simultaneously decrease in y will cause the decrease in x. That direct relationship. और उसको हम show कैसे करते हैं, इस तरह का symbol बनाते हैं जो कि ये होता है. इसको हम क्या कहते हैं, sign of proportionality. Sign of proportionality. ठीक है, that you must have studied in mathematics. ठीक है, क्योंकि हम लोग पहली बार इसको डिस्कस कर रहे हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज नोन एज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, बट लेटर इन फिजिक्स दिस विल कम मेनी टाइम्स. तो इन एवरी टॉपिक आई वोंट बी टेलिंग यू के ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ये होता है या इनवर्स रिलेशनशिप ये होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी पढ़ रहे हैं तो आपने ये चीजें याद रखनी है फॉर द कमिंग चैप्टर्स, तो ये आगे यूज होता जाएगा पूरी फिजिक्स में. फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री, मैथ, सब में यूज हो रहा होता है ये. तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये शो कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंक्रीज इन फोर्स विल इंक्रीज द एक्सेलरेशन. तो इसलिए फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो दिस फोर्स इज बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स. ये जो फोर्स है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स नहीं है. मतलब आप ये नहीं कहोगे कि 10 newton force is directly proportional to acceleration. No, 8 newton force or 18 newton force. The resultant force is directly proportional to acceleration. ठीक है? और जब हम ये sign of proportionality हटाते हैं equation बनाने के लिए, तो we do not write it in this form, but we prefer writing it in equation. When we make an equation of it, what we do? We remove this sign of proportionality and bring equals to. और जब sign of proportionality remove होता है, तो एक constant of proportionality आता है, एक constant value आती है. कांस्टेंट वेरिएबल आता है, और इन दिस केस द कांस्टेंट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब क्या है कहने का, कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ फॉर 2 किलोग्राम मास, आई एम एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड द बैकवर्ड फोर्स इज 2 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट विल कॉज सर्टेन एक्सेलरेशन. इसी मास पे अगर मैंने 20 न्यूटन की फोर्स बढ़ा दी है, प्रोवाइडेड इट द मास हैज बीन केप्ट कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी. लेकिन आपने बोला कि लेट्स से हुदा कहती है कि 10 न्यूटन फोर्स से आपने 20 बढ़ाई है, एक्सेलरेशन बढ़नी चाहिए. लेकिन हमजा ने क्या करा, मास 2 केजी के बजाय यहाँ पे 200 केजी वाला लाके रख दिया, तो वो कहेगा कि एक्सेलरेशन तो और कम हो रही है 20 न्यूटन की फोर्स बढ़ाने के लिए. व्हाई? बिकॉज़ यू हैव एक्चुअली इंक्रीज द मास, सो यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स एज वेल. सो इन ऑर्डर टू मेक अ फेयर कंपैरिजन, यू हैव टू कीप बोथ द मासेस सेम. ठीक है, दोनों टाइम पे जब आप फोर्स बढ़ा रहे हो, तो यू हैव टू, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स, सो यू हैव टू कीप द मासेस सेम. मतलब उसी ऑब्जेक्ट पे फिर लगाना बड़ी फोर्स, ताकि एक्सेलरेशन बड़ी दिखे उसमें. गॉट इट? सो फार सो गुड. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी कंफ्यूजंस, फील फ्री टू आस्क. नो सर, नो क्वेश्चंस. हमजा? नो नो. ओके, अच्छा जी. तो बेसिकली न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना न्यूटन सेकंड लॉ का, वो बनता है एफ इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, अच्छा. अब जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा ना. इसलिए मैंने एक लाइन और लिखवाई है कि रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड एंड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट जो है वो ये इस पे जो फोर्स लग रही थी, यहाँ पे लग रही थी राइट साइड पे 10 न्यूटन, पीछे लग रही थी 2 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट आ रही थी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट पे मूव होना शुरू हो जाए. पॉसिबल ही नहीं, इट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी करेगा. तो इंक्रीजिंग रिजल्टेंट फोर्स विल इंक्रीज एक्सेलरेशन. व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस? ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, बिकॉज़ see if we have a greater resultant force. अगर मैं कह रहा हूँ कि यही object है 2 kg का, इस पे resultant force एक बार मैंने 8 newton की लगाई, mass is 2 kg. If I find the acceleration, it would be 8 over 2, and it will give me 4 meter per second square.
अच्छा दूसरे केस में मैंने रिजल्टेंट फोर्स 80 न्यूटन आ रही है, मास इज स्टेज द सेम, वही ऑब्जेक्ट है, और एक्सलेशन निकालूंगा तो 18 डिवाइड बाय 2 इट विल कम टू बी अराउंड 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेल्स मी दैट इन एवरी 1 सेकंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज बाय 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड जो है वो क्या कहते हैं 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. इस हिसाब से जो इसका डिस्टेंस होगा 4 मीटर पर सेकंड में, इन एवरी 1 सेकंड वो 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हियर इन एवरी 1 सेकंड 8 मीटर, एंड इन थर्ड सेकंड इन एवरी 1 इन थर्ड सेकंड इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर. अच्छा तो अगर मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, वो इजियर है क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, कितनी है, इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयर विल बी अ कांस्टेंट लीनियरली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग, राइट? ये प्रॉब्लम यहां तक? नो, कोई शक नहीं? नहीं. अच्छा एंड द डिस्टेंस विल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट, राइट? अच्छा कंसीडरिंग द सेकंड केस, सेकंड केस जब हम देखते हैं तो इन सेकंड केस द एक्सीलरेशन इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस शोस के इन एवरी 1 सेकंड हमारे पास क्या हो रहा है, इन एवरी 1 सेकंड दिस स्पीड इंक्रीजेस बाय 9 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स में कितनी हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड, एंड इन 3 सेकंड द स्पीड विल बिकम 27 मीटर पर सेकंड, राइट? अच्छा टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस, तो इन द फर्स्ट सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मस्ट बी, इन 1 सेकंड डिस्टेंस इज 9 मीटर ना, 9 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, इन 1 सेकंड इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी 9 मीटर, इन द सेकंड सेकंड इट मस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, इन द थर्ड सेकंड इट मस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर. सी डिस्टेंसेस जो 3 सेकंड में इसमें इंक्रीज हुआ वो 12 मीटर हुआ, इसमें जो इंक्रीज हुआ वो 27 मीटर हुआ. हाउ फोर्स ज्यादा लगाई थी आपने दोनों केसेस में, फोर्स ज्यादा लगाई थी, रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा थी, एक्सीलरेशन ज्यादा थी, डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ. इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स, शेप ऑफ दीज ग्राफ्स, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है? नाउ आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ सेम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अच्छा जी तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 थी अब 9 है तो वो ऊपर बनेगी ना. व्हाट अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या चेंज होगा? ग्रेडियंट वेलोसिटी विल लीनियरली इंक्रीज ऑफ कोर्स, बट इसमें और इसमें क्या फर्क होगा? वेलोसिटी का ग्रेडियंट ज्यादा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा होगा बिकॉज़ ग्रेडियंट शोस एक्सीलरेशन, यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो 4 के बराबर आना चाहिए, यहाँ पे 9 के बराबर आना चाहिए, तो लाइन मस्ट बी मोर स्टीप, राइट? यस, ठीक है हमजा. एंड अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका जो कर्व, उसका ग्रेडियंट चेंज हो रहा होगा वो ज्यादा स्टीपली चेंज हो रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस, सही? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर रेट, तो ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ मस्ट बी इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर रेट, राइट? समझ आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं होगी आज ज्यादा? समझ आ रहा. तो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली क्या बनता है हमारे पास, दोबारा से देखते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ इज एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है? अच्छा दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोर्स. फोर्स, रिमेंबर व्हेन वी स्टडीड अबाउट बेसिक क्वांटिटीज, we discussed that there are only 7 basic physical quantities. Rest of the quantities are the derived quantities or that are found by a particular formula. जैसे mass इसमें is a basic quantity, right? तो हमने क्या क्या basic quantities देखी थी? Mass, time, length, या distance and temperature, current. Remember? तो force, this is a very basic formula of force. Force का जो सबसे पहला formula है ना वो ये मिलेगा. बाकी और भी बहुत सारे formulas में force use हो रहा होता है.
दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोर्स. इस फॉर्मूला से वो फोर्स की डेफिनेशन बनाता है, फोर्स की नहीं बल्कि बोलता है कि डिफाइन न्यूटन. तो व्हेन ही आस्क्ड यू टू डिफाइन न्यूटन, तो हाउ वुड यू डिफाइन न्यूटन? न्यूटन क्या है? न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. बेसिकली ही इज आस्किंग यू टू डिफाइन फोर्स. ठीक है, इसमें मास क्या है? किलोग्राम है. एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके यूनिट को मिलाते हैं तो दिस इज नोन एज न्यूटन फोर्स. तो हाउ वुड यू डिफाइन न्यूटन? देखो देयर इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन जिसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे. यू वुड डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वन न्यूटन. यू वुड से दैट वन न्यूटन इज, बल्कि न्यूटन पूरा लिख दो, वन न्यूटन ब्रैकेट में लिख दो, वन न्यूटन इज अ फोर्स, बल्कि इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ रिजल्टेंट फोर्स. ये याद रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स है तो क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त भी याद रहेगा. वन न्यूटन इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड अपॉन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम. ठीक है, मैं कैसे फॉर्मूला बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे 1 न्यूटन बनाना है तो मैं मास की जगह पे 1 किलोग्राम रख दूंगा और एक्सेलरेशन की जगह पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दूंगा, तो आंसर क्या बनेगा? 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन को मुझे डिफाइन अगर करना है तो आई वुड से 1 न्यूटन इज अ रिजल्टेंट फोर्स एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड accelerated with an acceleration of 1 meter per second square. Okay, so this is defined as 1 newton. समझ आई बात? अब जितनी ज्यादा resultant force है उतनी ज्यादा acceleration है. अगर इसमें problem हो रही है तो I will send you the video of this lecture. इसको दोबारा से देखना जरूर, तो जो मैंने ग्राफ बनाया ना, दिस एक्चुअली क्लियर्स द होल कॉन्सेप्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूटन फर्स्ट लॉ. ठीक है, सेकंड लॉ पहले, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है इज रादर कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, एप्लीकेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. न्यूटन फर्स्ट लॉ सिंपल एक बात कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है ना, रेस्ट में, तो इट विल स्टे एट रेस्ट अंटिल और अनलेस यू अप्लाई अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट. फॉर एग्जांपल, इस पे जो फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स होती है जो कि सरफेस फ्रिक्शन अपोज कर रही होती है मोशन को. आई हैवन येट टॉट यू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो जब मैं पढ़ा दूंगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ आ जाएगा. बट अभी ये समझ लो कि एक बैकवर्ड फोर्स है. अच्छा, इस पे जब इसको मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ ना तो फ्रिक्शन लगती है. कोई भी अगर भारी बॉक्स पड़ा हुआ है उसको अगर आप पुश करो या पुल करो तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ना, एंड यू हैव टू ओवरकम द सरफेस फ्रिक्शन. अगर उसको ऑयली सरफेस पे मूव कराओ, स्लिपरी सरफेस पे मूव कराओ, इट इज़ वेरी इजी टू मूव. ठीक है, हाउ एवर ऑन द रफ सर्फेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव. वाई? बिकॉज रफ सर्फेस ऑफर्स ग्रेटर फ्रिक्शन, सरफेस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? एनी फोर्स दैट अपोजेज द मोशन. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना फ्रिक्शन क्या होता है. अच्छा, तो इट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट जब तक इस पर आप रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगा रहे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ना जब मैं इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगाने जा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स मैंने लगाई 2 न्यूटन की, तो उस पर जो है बैकवर्ड फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की लगना शुरू हो गई, फिर भी ये रेस्ट में ही रहेगा. अंटिल और अनलेस की रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो ना हो, मतलब जीरो से बड़ी ना हो. जब तक जीरो से बड़ी होगी तभी ये मूव करेगा. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे फॉरवर्ड फोर्स लगा दी लेट से 15 न्यूटन की, बैकवर्ड फोर्स 10 न्यूटन की थी, तो अब रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 5 न्यूटन की टुवर्ड्स राइट एंड इट विल मूव. तो इफ इट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, इट वोंट मूव. अच्छा, हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है ना काइनेमेटिक्स में. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी होती है? Guys, अगर कोई चीज रेस्ट में तो उसकी स्पीड क्या होगी? Guys, hello, can you hear me?
Yes, so answer me. अगर if an object is at rest, तो उसकी speed क्या है? Zero. Obviously. और acceleration क्या है? Zero. Zero. Meter per second square. However, in uniform motion we studied. Uniform motion में speed कैसी होती है? Increase. Constant. कांस्टेंट स्पीड वाला. और कांस्टेंट स्पीड जब होती है तो एक्सेलेरेशन कैसी होती है? When the speed is constant or the velocity is constant, it means there is no change in speed or velocity. The acceleration is zero. Zero. It is not at rest. It is moving with a constant speed, but still the acceleration is zero. Why there is no change in speed? So see, there are two scenarios जहाँ पे acceleration zero होता है, but in one case acceleration is zero, speed is also zero. The object is at rest, but in other case acceleration is zero. However, the object is still moving with a constant speed. क्योंकि जब acceleration निकालोगे, the change in velocity upon time में आप final velocity, initial velocity जब रखोगे तो both are same. अगर मैं कह रहा हूँ कि it is moving with a constant speed of let's say 5 meter per second, it will keep moving with this speed. The final velocity will also be 5, initial velocity will also be 5, no matter how long you observed it. That's it, 20 seconds ke liye kya hai. But numerator is 0, so final acceleration would be 0. Right? But however, that object is not in rest. It is still moving with a constant speed. So there are two cases when the acceleration is 0. First of all, it is rest when everything is 0. Distance b, speed b, acceleration b. But however, if an object is moving with a constant speed, acceleration is also zero. So this type of motion is known as uniform motion. सही है? अच्छा, but if acceleration was zero, it means force was zero. अगर acceleration zero है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ F is equals to ma लगाओ, आप कह रहे हो कि acceleration zero है, तो force क्या आएगी? Zero newton. और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि in uniform motion use this same F is equals to ma. Okay? Now you are again saying acceleration is zero, so force again must be zero. But if you are saying the resultant force is zero, तो motion हो कैसे रहा है? देखो, resultant force zero, applied force zero थोड़ी है. ये पता है दूसरा केस कब होगा? दूसरा केस तब होगा जब once the motion has already been achieved. पहले वो rest में था, rest के बाद motion start अगर हो गया. अब जरा इसको और से सुनना. अगर ये समझ आ गया ना तो समझो कि success story है हमारी आज की class की. ठीक है, ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, नो फोर्सेज वर एक्टिंग अपॉन इट. देन व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन इट एंड द बैकवर्ड फोर्स वाज, आई एम सेइंग बैकवर्ड फोर्स वाज 5 न्यूटन. अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक, विल ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट और नॉट? यस इट विल. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, आई एम सेइंग इज लेट्स से 2 kgs. Okay, so the resultant force is, साथ साथ बता दो तो I'll be satisfied कि you guys are getting my point. The resultant force would be 20 minus 5, which is 15 newton. ठीक है, हमजा please participate. Resultant force would be 15 newton towards right hand side. So if I ask you to find the acceleration, you would say F is equals to ma. Put resultant force to be 15, mass is 2 kg and find out the acceleration. Acceleration would be 15 over 2, which will give me 7.5 meter per second square. Okay, now it means it is accelerating. Its speed must be linearly increasing. Accelerate kar rahe na, speed increase honi chahiye. Speed cannot be constant. So this is a case of non-uniform motion. However, what happened, ye object move ho raha hai. Aur move hote hote, kya hua? के इस मूव हो रहा था, वी स्टार्टेड डिक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स. ठीक है, इसको मैं अप्लाइड फोर्स या फॉरवर्ड फोर्स मैं इसको कह रहा हूं. तो वी स्टार्टेड डिक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स इज स्टिल सेम 5 न्यूटन. हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स जो है वो डिक्रीज कर दी एंड वी ब्रॉट इट टू 10 न्यूटन. नाउ रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 10 - 5, 5 न्यूटन. But still towards right hand side. ठीक है, तो if I use F is equals to ma in it,
acceleration force would be 5 newton, mass is 2 kg, acceleration I have to find, and acceleration would be 2.5 meter per second square. Now there is a decrease in acceleration, acceleration mein decrease ho gaya na, so velocity to kyunki, but it is still accelerating, the velocity must still increase but with a decreasing rate, matlab gradient kam ho jayega uska. Accelerate to kar rahe hai na, velocity to increase hogi lekin rate of increase of speed jo hai wo decrease ho gaya hai, ग्रेडियंट डिक्रीज कर दिया मैंने, पहले जल्दी जल्दी बढ़ी थी हर सेकंड में 7.5 मीटर पर सेकंड बढ़ी थी, अब हर एक सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, कहने का मतलब ये है, राइट? यहां तक बात क्लियर है? दोनों बातें, लास्ट वाली भी, हमजा? जी हमजा, आर यू श्योर? जी अच्छा, पक्की बात है, क्लियर है? मुझे ना थोड़ा सा डाउट होने लगा है तुम पे। क्लियर है सारी बात, ठीक है? मैं टेस्ट लूंगा अभी थोड़े दिन बाद, एक दो क्लासेस बाद, ठीक है? आई मे टेक अ सरप्राइज टेस्ट, तो मेक श्योर कि यू गाइस अंडरस्टैंड इट एंड बी रेडी। अगर क्लास में कुछ समझ नहीं आता है तो आज पूछो। अच्छा चलो, अब मैंने 10 न्यूटन फोर्स जो है ना वो कम करके दैट्स ए 5 न्यूटन कर दिया। आप लोग मुझे बताओगे कि 5 न्यूटन करने पे क्या होगा, क्या ये रुक जाएगा या चलता रहेगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी पहले तो ये बता दो। रिजल्टेंट फोर्स विल बी 5 - 5 0 न्यूटन, ठीक है? तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0, बट इट वाज ऑलरेडी ट्रैवलिंग ना विद अ सर्टेन स्पीड इस पॉइंट पे, लेकिन देन आई डिक्रीज द फोर्स एंड इट बिकम, रिजल्टेंट फोर्स बिकम 0। अप्लाइड फोर्स मैंने लगाना बंद नहीं की है, लग रही है अभी भी, फॉरवर्ड फोर्स अभी भी है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, बट Now this time the force is equal to backward force. ये काम तो पहले भी तो हुआ था rest में, जब था rest में भी तो ये मेरी forward force backward force बराबर थी, जब तो move नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार अगर उसको move करना है तो resultant force कुछ होगी तो ही move करेगा, rest में तो आप equal कर दोगे कभी move नहीं करेगा, लेकिन once the motion has already been achieved, motion already हो रहा था, and now you decrease the forward force and brought it to equals to the backward force, so resultant force would be 0, acceleration will become 0, lekin kya object ruk jayega? Force abhi bhi lag rahi hai aage 5 newton ki, resultant force 0 ho gayi hai, so object is scenario se just pehle jo chal raha tha na jis speed se, usi speed se chalta rahega, resultant force is 0, the acceleration would be 0, so what will happen to is just before the forces became equal and just before the force, resultant force became 0, jo object ki velocity thi na wo usi velocity se chalta rahega aage, until or unless ye 5 newton ki force jo hai wo or decrease na ho. Agar 5 newton ki force or decrease ho gayi, let's say ye 2 newton pe aa gayi hai, aur backward force jo hai wo phir 5 newton ki hai, so this object ki jo resultant force hai na wo dekho kya ho jayegi. Agar main kahun ki चलो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, गंदा हो गया, 3 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स होगी बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? अच्छा, आई एम सेइंग कि मैंने जो है वो फॉरवर्ड फोर्स जो है वो डिक्रीज करके 2 न्यूटन कर दिए, बैकवर्ड फोर्स वाज स्टिल सेम 5 न्यूटन, बट द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इनिशियली, सो द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 5 - 2 व्हिच इज 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? तो इसको मैं माइनस क्या देता हूँ, -3 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ए, में एफ की जगह मैं -3 न्यूटन रखूंगा मास, एंड जो भी मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी डेट वुड बी नेगेटिव, तो कैसे आएगी, -3, मास जो है उसका 2 kg है, तो डेट वुड बी -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन, तो ऑब्जेक्ट विल डी एक्सेलरेट, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये काम होने से पहले हम कह रहे हैं कि अब इसी को देखो बस, जहां पे जब एक्सेलरेशन 0 हो गई है तो फॉरवर्ड फोर्स तो अभी भी लग रहा था, और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा फिर, और कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, वही वाली वेलोसिटी जो जस्ट बिफोर उसकी थी रिजल्टेंट फोर्स 0 होने से पहले, ऑब्जेक्ट विल कीप ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस द रिजल्टेंट फोर्स स्टेज 0, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, velocity that was the velocity of the object that was there just before the resultant force became 0, theek hai? To ye wala jo case hai na isme acceleration to 0 hai,
यार ये केस हम पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप कर रहे हैं इसकी कि हो क्या रहा था। एक्सलेशन तो हम कह रहे थे कि जीरो है एक्सलेशन टाइम ग्राफ पे, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना हम ऐसे बना रहे थे, क्या कह रहे थे कि वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, और जब हम कह रहे थे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सलेशन होता है, तो इसका ग्रेडियंट जीरो है, ग्रेडियंट जीरो है तो इट मींस एक्सलेशन जीरो है, सही है, जीरो एक्सलेशन दिखाई है, राइट। तो कब हो रहा था ये मोशन, वंस द मोशन हैड ऑलरेडी बीन अचीव्ड, रेस्ट वाला केस नहीं है, मोशन ऑलरेडी हो रहा था, फिर मैंने फॉरवर्ड फोर्स जो है वो कम कर करके बैकवर्ड फोर्स के बराबर कर दिए, तो नाउ अगेन द एक्सलेशन इज जीरो, बट there is a forward force, so it will keep the object moving with a constant velocity because there is no change in acceleration, velocity will stay constant, theek hai, ye baat samajh aayi? Yes. Hamza? Yes. To Newton ne pata hai kya bola first law mein, Newton ne bola if an object is at rest it will stay at rest, but if it is moving with a constant velocity it will keep moving with a constant velocity until or unless a resultant force is applied on it. Dekho yahan pe resultant force kya hai, zero. Agar aap resultant force zero ke alawa koi aur value kar doge to fir dobara ya to accelerate hoga ya deaccelerate hoga, constant velocity nahi rahegi, velocity change ho jayegi. To Newton ne second first law mein ye bola, if an object is at rest it will stay at rest, or if an object is in motion it will keep moving with a constant velocity. उसी constant velocity से चलता रहेगा जब तक resultant force zero है. कब? जब motion already हो चुका हुआ है एक बार. It will keep moving with a constant velocity until or unless resultant force applied on it is zero. जब तक resultant force zero है. मतलब दो केसेस में डिवाइड कर दिया है, रेस्ट में तो भी एक्सेलेरेशन जीरो है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलेरेशन तो भी जब भी जीरो होगा, और रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, बस आप जो है ना ये चीज याद कर लोगे ना आपका काम निकल जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती है, टेस्ट नहीं करता है, न्यूमेरिकल नहीं बनाता है उसके, बस अंडरस्टैंडिंग अगर है तो नहीं है। देखो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है ना ओ लेवल में इन सारी चीज़ों की, यूजुअली 90% स्टूडेंट्स की नहीं बन पाती अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं हम देखते हैं याला क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से होता है, इस तरह से पूछता है तो इस तरह से होता है, इस तरह से पूछता है तो इस तरह से होता है, तो पास पेपर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही होती है तो वो बच्चा करके आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पास पेपर फोकस स्टडीज करो, हाँ समझने की जरूर कोशिश करो जो कि चीज सिलेबस में है, ठीक है, गिव योर बेस्ट शॉट, लेकिन अल्टीमेट हमें तो फिर रिजल्ट से कंसर्न है ना, आपको भी सबको बल्कि रिजल्ट से ही कंसर्न होता है, लेकिन फर्स्ट एम या प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि यार मैं चीज सीख लूँ क्या है दुनिया, ठीक है। उदा हमजा समझ आइए यहाँ तक बात जी? अच्छा जी, देन वी हैव न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा न्यूटन फर्स्ट लॉ को ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, अगर कहीं इंटरनेट पे सर्च करके वगैरह पढ़ते हो ना तो वहां पे मिल जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ बता दो क्या होता है। Every action has equal and opposite reaction. मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक वॉल है
वॉल पे मैंने बॉल मारी है, थ्रो करी है, जब बॉल इसे टकराएगी ना, मैं कह रहा हूँ कि बॉल ने जो वॉल पे फोर्स लगाई है वो लेट से 10 न्यूटन की है, तो वॉल भी जो है ना बॉल पे उतनी फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से बॉल जो है बाउंस बैक कर जाती है 10 न्यूटन की, तो वॉल भी जो है वो बॉल पे इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसलिए इसको मैं -10 न्यूटन कह देता हूँ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। अभी समझ आई बात? जी नहीं। ओके अच्छा, पहली फोर्स जो हम देखेंगे ना वो है थ्रस्ट फोर्स, व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स? देखो थ्रस्ट फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाए, जैसे प्रोपेल करे इसको, जैसे कार है ना, कार को जो चीज आगे लेके जाती है वो इंजन की थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है। अच्छा बेसिकली कार की फोर्स का हम थ्रस्ट फोर्स कह नहीं रहे होते, ये थ्रस्ट फोर्स वो होती है जब पीछे से गैसेस निकल रही हो और आपको आगे थ्रस्ट दे रही हो, जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, पीछे कंबशन होती है, देखा पीछे लाल लाल फ्लेम होता है, वो लाल लाल फ्लेम की वजह से ना क्या होता है, ये जो गैसेस निकलती है ना आगे उसमें पे जब गैसेस बर्न होती है अंदर तो उस पर फोर्स लगती है और वो फोर्स नीचे की तरफ लगती है, उस फोर्स का रिएक्शन होता है जो अपर लगता है रॉकेट पे। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो जो रिएक्शन फोर्स है ना उसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, और वो रॉकेट को ऊपर प्रोपेल करती है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी टाइप की हमारे पास फोर्स जो है ना वो फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास एनर्जी लॉसेस भी कराती है और फायदेमंद भी होती है, क्या? फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, जिस भी डायरेक्शन में मोशन करोगे ना वो उसको अपोज करेगी, मतलब अगर गाड़ी राइट साइड पे जा रही है यही गाड़ी इसी रोड पर तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लेफ्ट पे लगेगी सर, रोड फ्रिक्शन, अगर यही गाड़ी इसी रोड पर अभी रिवर्स करके पीछे जाना शुरू हो गई है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो राइट पे हो जाएगी क्योंकि बस वो उसने मोशन को अपोज करना है। तो फ्रिक्शन फोर्सेस को अगर हम डिवाइड करें ना तो फ्रिक्शन फोर्सेस भी अब सरफेस पे अगर आप हार्ड टेबल पे अपना रब करो या आगे पीछे करो तो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन की वजह से जो है ना हमारे पास एनर्जी लॉसेज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में आप अपने पाम्स को या हाथों को रब करते हो ना अगेंस्ट ईच अदर, सो व्हाट हैपेंस, बेसिकली देयर इज फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द हैंड्स व्हेन यू रब देम, तो क्या होता है उससे दे जनरेट हीट। इसी तरह अगर आप मैच स्टिक जलाते हो तो मैच स्टिक क्या है, जब व्हेन यू उस पर आप स्लाइड करते हो तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैसे हीट जनरेट होती है और वो जो केमिकल होता है उसमें आग लग जाती है मैच स्टिक के ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्सेस यूजफुल भी हैं और एनर्जी वेस्टेज भी कराती है। तो फ्रिक्शन फोर्सेस में सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस फ्रिक्शन, बता सकते हो क्या होगी सरफेस फ्रिक्शन? बोलो बोलो कौन बोल रहा है? When two surfaces are in contact and move relative to each other, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जब चल रही है रोड पे तो कॉन्टेक्ट गाड़ी का रोड के साथ किस चीज का हो रहा है, गाड़ी के टायर्स का हो रहा है, सही है। अब गाड़ी का जो टायर है वो इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, उसका मोशन क्या है, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देखू ना तो रोड, गाड़ी बेशक आगे जा रही है, गाड़ी ना यूं करके आगे जा रही है, लेकिन अगर तुम ये देखो ना कि टायर जो है वो रोड के साथ उसका मोशन क्या है, टायर जो है वो लेफ्ट पे जाना चाह रहा है, ठीक है,
तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगी? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सही है, क्योंकि गाड़ी का टायर जो पीछे की तरफ रगड़ खा रहा है, पीछे की तरफ जाना चाह रहा है यहाँ से कॉन्टेक्ट पे देखो अगर, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी सरफेस फ्रिक्शन वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड लगेगी। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे कोई अगर इस तरह से फॉर एग्जाम्पल इसी रोड सरफेस पे मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसी रख दूं इसके ऊपर, ठीक है, और मैं बोलूं कि इस पे मैं फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मूव करने के लिए, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पे लेफ्ट पे लगेगी। क्यों? क्योंकि रगड़ यही खा रहे ना डायरेक्ट, देखो यही सरफेस इसका डायरेक्ट रब हो रहा है और वो सरफेस जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगी, सरफेस फ्रिक्शन। हाउएवर इन केस ऑफ कार्स, कार जो है वो आगे फॉरवर्ड हो रही है लेकिन कार की बॉडी जो है ना वो इन कॉन्टेक्ट नहीं है विद द ग्राउंड, टायर इन कॉन्टेक्ट है, और टायर जो है उसका रिलेटिव मोशन क्या है विद द ग्राउंड, टायर इज ट्राइंग टू मूव बैकवर्ड्स, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फॉरवर्ड लगेगी। गॉट इट? हाउएवर सरफेस फ्रिक्शन क्या है? फोर्स when two surfaces are in contact with other relative to each other. अच्छा, यही सरफेस फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप ना चल पा रहे हो। अगर ये फ्रिक्शन नहीं हो ना आपके शूज और फ्लोर के बीच में तो आप जो है ना स्लिप होते रहोगे और स्लिप होकर गिरते रहोगे बार बार, चलना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। Then we have another type of friction which is known as air resistance. एयर रेजिस्टेंस क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन एयर। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी के विंडो से अगर आप हाथ बाहर निकालते हो तो आपके हाथों पे एयर लगती है, ठीक है, आपका जो मोशन है, अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे हो और आपका हाथ जो है वो यूं आ रहा है, एयर उस पर जो है वो यूं आके लगेगी क्योंकि आपका हाथ जो है वो आगे की तरफ जा रहा है ना गाड़ी के साथ, तो एयर फ्रिक्शन इस पर यूं आके लगेगी, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं और एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं। अगर आप उल्टे जाओगे तो आप उल्टी लगेगी वो, ठीक है, वो लग क्यों रही है? क्योंकि जो एयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके हाथ से कोलाइड कर रहे होते हैं और वो ट्राई कर रहे होते हैं कि वो आप रुक जाओ। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन एयर इज एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस by an object moving in air। अच्छा, क्यों लग रही है ये? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे होते हैं आपके हाथों से, एयर मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट अ फोर्स, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो एयर फ्रिक्शन है, ठीक है, जैसे गाड़ी की विंड स्क्रीन, अगर विंड स्क्रीन ना हो सामने तो आपके मुंह पे इतनी हवा लगेगी वो क्या है? एयर फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन बिटवीन विंड स्क्रीन एंड एयर, विंड स्क्रीन ऑफ कार। इसी तरह जब पैराशूटिस्ट नीचे कूदता है तो क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस होती है जो कि पैराशूट पे लगती है और जो है उसकी स्पीड कम करवा देती है, पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा एक तरह की और फ्रिक्शन फोर्स होती है जिसका नाम होता है विस्कस ड्रैग। अच्छा, ये हमारे पास ना यूज नहीं होती है, बस होती है इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लिक्विड में मूव कर रहे हो ना, जैसे सबमरीन वाटर में मूव कर रही है तो उस पर जो वाटर की वजह से फोर्स लगेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो विस्कस ड्रैग होगी। मतलब यूजली वाटर को हम लेते हैं, कोई भी लिक्विड, हमारे पास जो दो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी हमारे कोर्स में, सरफेस फ्रिक्शन यूज हो रही होगी, एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज होती है, सही है? कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर।